नमस्कार न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर दो बच्चों में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिजनौर से है, कुख्यात आदित्य राणा फरार हो गया है। शाहजहांपुर से फरार हुआ है आदित्य राणा, 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है। कुख्यात आदित्य राणा पेशी पर लखनऊ से बिजनौर आया था। आदित्य राणा पर हत्या समेत 29 केस दर्ज है। एसपी के निर्देश पर अब जिले के बॉर्डर्स को सील करने का निर्देश दिया गया है। आरोपी की तलाश में कई टीमें जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदित्य राणा जो है कुख्यात आरोपी बताया जा रहा है, जो फरार हो चुका है। शाहजहांपुर से फरार हुआ है आदित्य राणा, 1 लाख का इनामी है। आदित्य राणा पेशी के लिए ही लखनऊ से बिजनौर आया था और इस दौरान शाहजहांपुर में पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। देखिए, ये मुलजिम जो है लखनऊ जेल में निरुद्ध था। लखनऊ से ये बिजनौर पेशी के लिए गया था। बिजनौर में भी इस पे क्या नाम है, मुकदमे दर्ज हैं। वहाँ पर ये लखनऊ से पेशी पर गया था और पेशी करने के बाद, वहाँ पर पेश होने के बाद में ये लोग वापस आए हैं। वापस आकर के थाना रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में, जनपद शाहजहांपुर में, ये लोग खाना खाने के लिए रुके और वहीं पे पुलिस बल जो इसके साथ में लखनऊ से आया था उनको चकमा दे करके ये फरार हो गया। इस संबंध में थाना आरसी मिशन पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जनपद लखनऊ और जनपद बिजनौर की पुलिस को सूचना दे दी गई है आवश्यक कार्रवाई के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आदित्य राणा है कौन। बिजनौर का कुख्यात अपराधी है आदित्य राणा। लूट हत्या समेत करीबन 29 मामले इस पर दर्ज है। सिहारा के गांव राणा नगला का ये रहने वाला है। अपने गांव में 3 लोगों की हत्या इसने की थी, ये इस पर आरोप लगा है। पेशी से वापस जाते वक्त शाहजहांपुर से ये फरार हो गया पुलिस को चकमा देकर। तो खाना खाते वक्त ढाबे से फरार हुआ है। अभी लखनऊ जेल में ये शातिर बंद था लेकिन अब शाहजहांपुर से ये फरार हो चुका है। लखनऊ से पेशी के लिए बिजनौर आया था और इस बीच पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामविलास हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। पूरा घटनाक्रम रामविलास जरा समझाइए, कैसे चकमा देकर फरार हुआ आदित्य राणा? देखिए, जो आदित्य राणा शाहजहांपुर से जो फरार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस की ही नजर आ रही है। आमतौर पर जब कैदी या मुजरिम जो भी होता है उसके लिए अदालत में पेशी पर गैर जनपद ले जाया जाता है तो बड़ी लापरवाहियां सामने आती हैं और इस तरीके से मुजरिम फरार हो जाते हैं। लेकिन आदित्य राणा का जिस तरीके से फरार होना, एक खूंखार बदमाशा हिस्ट्री शिकर है जिसके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं। सबसे खास बात यह कि सभी 28 जो मुकदमे दर्ज हैं बेहद ही गंभीर मामले हैं। इसके लिए लखनऊ से बिजनौर पेशी पर ले जाया गया था, जहां से बिजनौर से वापस लखनऊ ले जाया जा रहा था नेशनल हाईवे 24 से। तो नेशनल हाईवे 24 पर इसने पहले खाने की बात कही, खाना खाने के लिए पुलिसकर्मी रुके और वहां पर इसने टॉयलेट जाने की बात कहकर ये दीवार कूद कर फरार हो गया। सबसे खास चीज यह है कि इसके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं, बेहद ही गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी थे उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि आखिर जब ये टॉयलेट की बात कहकर गया था तो एक के बाद एक, आमतौर पर आए दिन घटनाएं सामने आती हैं, मुलजिम फरार हो जाते हैं, आखिर उनसे सबक क्यों नहीं लेते हैं ये पुलिसकर्मी? और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक खूंखार जो अपराधी है वो पुलिस की जो कस्टडी थी उससे फरार हो गया है। फिलहाल जो पुलिस है शाहजहांपुर की पुलिस, पहले तो इस मामले को पूरी तरीके से दबाए रही। पूरी जो घटना है रात के करीब 3 बजे के आसपास की, बिजनौर से लखनऊ ले जाया जा रहा था और जिसमें ये खाना खाने के लिए 3 बजे के आसपास एक ढाबे पर गया था पुलिसकर्मियों के साथ में, वहां से फरार हो गया। लेकिन सबसे बड़ी खास चीज ये कि शाहजहांपुर पुलिस रात 3 बजे की घटना अब तक दबाए बैठी रही। जो न्यूज स्टेट के हाथ से जो एक्सक्लूसिव जानकारी लगी, जो इसका एक्सक्लूसिव फोटो है और जो पुलिस ने बात की है न्यूज स्टेट से, उसमें जाकर के जब खुलासा हुआ है कि रात की घटना है ये। और लेकिन पुलिस आमतौर पर ये होता है कि मीडिया में इस तरह की घटनाओं को पुलिस लाने से पहले ही उनको दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें कहीं यही वजह थी कि इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी। रामविलास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1 लाख का इनामी है ये कुख्यात आदित्य राणा, फरार हो चुका है शाहजहांपुर से। अब पुलिस इसकी तलाशी में जुटी है।